हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगी। तो इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्लास 10 कंसाइंस फिजिक्स से कंटिन्यू करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सोलेनॉइड के बारे में पढ़ा था, ठीक है। सोलेनॉइड क्या था याद करो, अगर आप एक कंडक्टिंग वायर ले लो, कॉपर वायर ले लो मान लो, और उसे आप स्प्रिंग के तरह वुंड करते हो, ठीक है, स्प्रिंग के तरह वुंड करते हो और इससे अगर आप करंट पास करते हो तो दिस बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, दिस बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट और इसके पोल्स डेवलप हो जाते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, ये हम लोगों ने पढ़ा है। देखिए अब मान लो कि हमने एक सॉफ्ट आयरन कोर लिया, एक सॉफ्ट आयरन कोर लिया, यह आयरन ही होता है जिसका कार्बन कंटेंट बहुत कम होता है और यह इजिली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो जाता है। अब मान लो इसके अराउंड हम लोगों ने करंट, सॉरी, हम लोगों ने कंडक्टिंग वायर पास किया इसके अराउंड, ठीक है, इसके अराउंड हम करंट पास कर रहे हैं, इसको वुंड किया कॉपर वायर से, फिर इसके अराउंड हम करंट पास कर रहे हैं। इसको मैंने एक सोर्स से ज्वाइन कर दिया है, एमीटर की रियोस्टेट सब है, वो मैं दिखा नहीं रहा। अब देखिए क्या होगा। अब हम लोगों ने पढ़ा है क्लॉक रूल कि ये फेज देखिएगा, अगर आप इसको यहां पे लिया है, इस मैग्नेट को यहां पे लिया है और अगर मैं इधर से पी पोजिशन से इस सॉफ्ट आयरन कोर को देखूंगा और डायरेक्शन ऑफ जो करंट होगा यहां पे, डायरेक्शन जो करंट होगा मेरा इस वायर में, देखो वो क्या है, इधर 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 क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज है, मतलब यहां पे एक साउथ पोल इंड्यूस हो जाएगा, हम लोग कर चुके। और अगर आप मैं क्यू पोजीशन से दिखूंगा तो इस तरह है डायरेक्शन, इस तरह है डायरेक्शन, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब नॉर्थ पोल, क्लॉकवाइज होगा तो साउथ पोल, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो नॉर्थ पोल। नाउ दिस सॉफ्ट आयरन को थ्रू ओवर विच यू वुंड कंडक्टिंग वायर, कॉपर वायर जिसे आप करंट पास करते हो, दिस बिहेव्स लाइक अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, दिस बिहेव लाइक अ स्ट्रॉन्ग, दिस बिहेव लाइक अ मैग्नेट। यू कैन से स्ट्रेंथ ऑफकोर्स आप बढ़ा सकते हो बाय पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी, बाय पासिंग मोर करंट and by increasing the number of turns. So this behaves like a strong magnet. इसी को हम लोग electromagnet कहते हैं, electromagnet कहते हैं, क्योंकि ये magnet की तरह तभी तक behave करेगा जब तक इसे आप electricity pass कर रहे हो। जहां आपने electricity pass करना, current pass करना, pass नहीं करोगे, if you don't pass current, then it does not behave like, does not बिहेव लाइक मैग्नेट, तब ये मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा। सो इलेक्ट्रोमैग्नेट एक टेम्पररी मैग्नेट है, एक टेम्पररी मैग्नेट है, इट बिहेव लाइक अ मैग्नेट ओनली अंटिल द, ओनली टिल द करंट इज पास थ्रू द वायर, इफ यू डोंट पास द करंट देन इट बिहेव जस्ट लाइक अ पीस ऑफ आयरन। ये जो हमारा सॉफ्ट आयरन कोर हमने लिया था वो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा, अगर आप करंट नहीं पास करोगे तो, करंट पास करोगे तभी वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा विथ पोल्स साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। दिस इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेट, इट्स अ स्ट्रॉन्ग टेम्पररी मैग्नेट, ठीक है, विच बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट और विच हैज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी टिल वी पास करंट थ्रू इट, इफ वी स्टॉप पासिंग करंट थ्रू इट then it does not behave like a magnet. Clear है? तो ये है हमारा electromagnet. अब electromagnet हमारा जो है वो दो टाइप का होता है, मतलब आप तो किसी भी शेप में electromagnet बना सकते हो, ठीक है, बट दो टाइप के electromagnets पढ़ेंगे हम लोग। एक तो अभी भी मैंने बनाया था, एक है आपका आई शेप्ड और बार मैग्नेट जिसे हम लोग यहां अभी डिस्कस किया, ठीक है, जिसे अभी हम लोग ने डिस्कस किया, एक सॉफ्ट आयरन को ले लो, ठीक है,
उसके अराउंड आप वुंड कर दो कॉपर वायर, फिर इलेक्ट्रिसिटी पास करो तो इट बिहेव्स लाइक अ पार मैग्नेट, यस नो? और दूसरा है यू शेप्ड मैग्नेट। हाँ, यू शेप्ड मैग्नेट हम लोग कैसे बनाते हैं ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसे मैं रैप कर दे रहा हूं। आई शेप हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये बार मैग्नेट, आप इलेक्ट्रोमैग्नेट जिसका शेप आई हो या फिर जिसका शेप बार मैग्नेट कर रहा हो या ऐसे बना सकते हो, यू शेप्ड, यू शेप्ड और हॉर्सशू मैग्नेट भी इसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बोलते हैं। क्या करो, ये सॉफ्ट आयरन कोर ले लिए जो यू शेप का होगा, जो यू शेप का होगा, ठीक है? मेरा माई ड्रॉइंग स्किल इज नॉट बैड, इट्स वेरी बैड, यू नो। चलिए, तो ऐसा हम लोगों ने एक यू शेप्ड सॉफ्ट आयरन कोर ले लिया हम लोगों ने, ठीक है? अब इसके अराउंड हम सपोज इसके अराउंड हम क्या करेंगे, ऐसे करके यहां से तार जा रहा है, ठीक है, कंडक्टिंग वायर, ठीक है। अब याद रखिएगा, एक आर्म में देखो मेरा, मैंने ऊपर से मैंने स्टार्ट किया है वाइंडिंग, ठीक है। दूसरे आर्म में क्या करेंगे, नीचे से स्टार्ट करेंगे वाइंडिंग, समझ रहे? ऐसे करके नीचे से आ रहा है, ठीक है, नीचे से आ रहा है, ऐसे करके कर रहे है, समझ रहे हो? ऐसे करके कर रहे है, ऐसे, ये है नीचे से, नीचे से, ठीक है, नीचे से कर रहा है। यहां पे वाइंडिंग आपने स्टार्ट किया ऊपर से, ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर इधर गया, फिर नीचे से मैं वाइंडिंग स्टार्ट कर रहा हूं, नीचे से मैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, ये यानी फिर ऐसे करके निकल जाएगा, ठीक है। और इसे मैंने फिर बैटरी की रियोस्टैट एमीटर सबसे जोड़ दिया है, ठीक है। अब मैं अगर इससे करंट पास करूंगा तो क्या होगा, देखिए ध्यान से देखिए, ये फेस पी है, ये क्यू है, मान लेते हैं पी पे, देखो ये जो करंट का डायरेक्शन है, लाइक दिस ऐसे हो रहा है क्लॉकवाइज, देखो ध्यान से घुमाओ, ऐसे करके फिर बोर्ड के अंदर जा रहा है, फिर बाहर निकला, फिर बोर्ड के अंदर जा रहा है, फिर बाहर निकला, फिर अंदर जा रहा है, फिर बाहर निकला, तो उसको ऐसेज कर दो, है कि नहीं? तो यहां पे कौन सा पोल इंड्यूस होगा, क्लॉकवाइज है, सो हमारा साउथ पोल इंड्यूस हो जाएगा। यहां पे देखो, ये बोर्ड के अंदर ऐसे आ रहा है, फिर निकल रहा है, ऐसे बोर्ड के अंदर जा रहा है, निकल रहा है, देखो ऐसे करके। तो यहां पे कौन सा पोल इंड्यूस होगा, नॉर्थ पोल इंड्यूस होगा। तो इस तरह से हम एक हॉर्सशू मैग्नेट बना सकते हैं, क्लियर है? अच्छा, यहां पे सोर्स ना हम लोग डीसी सोर्स यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, कोई बोलेगा सर क्या होगा अगर हम एसी सोर्स यूज करेंगे, ठीक है, मतलब डायरेक्ट करंट यूज करेंगे, अगर एसी करंट यूज करते तब क्या होगा? देखो, मान लेते हैं एसी सोर्स क्या, जिसका फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। तो हमें पता है एसी करंट में क्या होता है, द डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस, द डायरेक्शन ऑफ करंट कीप्स ऑन चेंजिंग, इसीलिए क्या होगा, इसका पोलैरिटी जो है, पोलैरिटी वो कीप्स ऑन चेंजिंग, बिकॉज डायरेक्शन बार बार करंट का चेंज होगा। डायरेक्ट करंट में तो डीसी में तो कंटिन्यूअस एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होता रहता है, बट एसी में तो ऐसा होता नहीं है। तो पोलैरिटी, इफ यू यूज एसी सोर्स, पोलैरिटी कीप्स ऑन चेंजिंग, ठीक है, क्योंकि 50 हर्ट्ज है तो 50 टाइम्स चेंज होगा,
समझ में आया? चलिए ना, अच्छा ये बोलेंगे अगर कि भैया हाउ कैन यू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ दीज इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो दो केस है भैया, एक तो नंबर ऑफ टर्न्स आप बढ़ा दो या फिर करंट इन द सर्किट, करंट जो कंडक्टिव वायर में करंट फ्लो रहा है उसको आप बढ़ा दो। तो ये दो करेंगे तो हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट को इंक्रीज कर सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट इंक्रीजेस। एम आई क्लियर? चल तो ये दो शेप के हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स करने थे। परमानेंट मैग्नेट एक बार डिस्कस करते हैं क्या होता है। देखिए परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट ठीक है, जो नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट्स है उन्हें परमानेंट मैग्नेट कहा जाता है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम है उनके साथ, जो नेचर में अपने पहले से ही जिसमें आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मिलती है, नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट जो होते हैं उनका स्ट्रेंथ थोड़ा कम होता है, ठीक है। शेप भी जो आपको डिजायर्ड शेप चाहिए उसमें जरूरी नहीं है कि वो आपको जो नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट है वो आपको डिजायर्ड शेप में मिले, तो हम लोग ना परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं, ठीक है। कैसे बनाते हैं देखो, अभी अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि एक अगर सॉफ्ट आयरन कोर लेंगे, हम एक सॉफ्ट आयरन कोर ले लेंगे, एक बार ले लेते हैं सॉफ्ट आयरन बार, और उसके अराउंड अगर हम करंट पास करेंगे तो ये मेरा एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, जहां पे यहां पे हमने देखा था साउथ पोल, यहां पे नॉर्थ पोल इंड्यूस हो जा रहा था, मतलब बन जा रहा था, फॉर्म हो जा रहा था, ठीक है, जब करंट पास करते तो। ये सॉफ्ट आयरन कोर है, ये क्या है, सॉफ्ट आयरन कोर, जिसके अराउंड मैंने वो कॉपर वायर को वोल्ड किया है। अब मान लो तो ये बिहेव लाइक अ मैग्नेट, ठीक है, और ये मैग्नेट तभी तक बिहेव करेगा जब तक करंट पास हो रहा है, बिकॉज सॉफ्ट आयरन कोर मैंने बोला ना इजिली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो जाता है, इसका रिटेंटिविटी बहुत कम होता है। बट इस सॉफ्ट आयरन कोर को अगर हम स्टील से रिप्लेस कर दे, अब करंट पास करें तब भी ये मैग्नेट का बिहेव करेगा, और बढ़िया बात क्या है, स्टील का रिटेंटिविटी बहुत ज्यादा होता है, मतलब जब आप करंट पास करना बंद भी कर दोगे तब भी ये स्टील का पीस जो है इट विल स्टिल बिहेव लाइक अ मैग्नेट। तो इस तरह हम परमानेंट मैग्नेट प्रोड्यूस कर सकते हैं, समझ गए, इट इज मेड अप ऑफ स्टील, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर, समझ लो। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज हो जाता है या एकदम सीज हो जाता है या एकदम खत्म हो जाता है जैसे आप करंट पास करना बंद कर दो, लेकिन परमानेंट मैग्नेट का वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, अगर आप करंट पास करना छोड़ दो तब भी वो शो करेगा, समझ रहे हो। और इलेक्ट्रोमैग्नेट के स्ट्रेंथ को आप यू कैन इंक्रीज डिक्रीज चेंज कर सकते हो। परमानेंट मैग्नेट एक बार बढ़ गया तो उसका आप जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ था उसको आप बदल नहीं सकते हो। इलेक्ट्रोमैग्नेट में आप क्या कर सकते हो, आप उसकी पोलैरिटीज को चेंज कर सकते हो, है कि नहीं, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स कर दिया जाए तो पोलैरिटी चेंज होगा, लेकिन आपने एक बार परमानेंट मैग्नेट बना लिया उसकी आप पोलैरिटी को चेंज नहीं कर पाओगे भाई। तो दीज आर फ्यू ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड परमानेंट मैग्नेट्स, और एडवांटेज भी है, मैंने बोला ना इलेक्ट्रोमैग्नेट का एडवांटेज भी है ओवर परमानेंट मैग्नेट, यू कैन चेंज द प्रॉप पोलैरिटी, यू कैन चेंज द स्ट्रेंथ, सही है। परमानेंट मैग्नेट आपका कहां पे लगता है, आपके एमीटर, गैल्वेनोमीटर, ये सब डिवाइसेस में आपका परमानेंट मैग्नेट लगता है, ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करें तो जो आई शिफ्ट हमने बनाया था वो रिले में यूज होता है, रिले इज अ स्विचिंग
डिवाइस, अभी तक इतना याद रखिए आप। वो रिले में यूज होता है, जो यू शेप्ड होते हैं, वो डीसी मोटर, एसी जनरेटर, इलेक्ट्रिक बेल, ऐसे टाइप के डिवाइसेस में यूज होता है। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट आपका वोल्ट मीटर हो गया, एमीटर हो गया, गैल्वेनोमीटर हो गया, इन सब में यूज होता है। हमारे क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट से बहुत सारे यूजेस हैं, बुक में मिल जाएगा आपको। ठीक है, जैसे कि ओर से मैग्नेटिक सब्सटेंस को सेपरेट करना, ठीक है, मैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं वहां से उसको निकालना, रिसर्च वर्क में काम आता है, रिसर्च में। ठीक है, वूंड से छोटे छोटे मैग्नेटिक एलिमेंट्स जो आयरन पीसेस है उनको हटाने में काम आता है। ठीक है, बहुत सारे डिवाइसेस मैंने बोला आपको। ठीक है, यू शेप में बोला ना, यू शेप आपको डीसी मोटर हो गया, एसी जनरेटर हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक बेल हम पढ़ेंगे आगे, इलेक्ट्रिक बेल के बारे में बहुत सारे डिवाइसेस में यूज होता है। ओके, यूजेस देख लेना, बुक में दिया हुआ है। चल, तो ये था हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट, और इलेक्ट्रोमैग्नेट हम लोग कैसे बना सकते हैं, परमानेंट मैग्नेट हम लोग कैसे बना सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट परमानेंट मैग्नेट से ज्यादा यूजफुल कैसे है, या एडवांटेजेस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया। चलो चलिए अब वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक बेल देख लेते हैं। यहाँ पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का बड़ा ही शानदार यूज देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इस इलेक्ट्रिक बेल के पार्ट्स को समझ लेते हैं। एच इज योर हैमर, जी इज योर गोंग। ये हैमर जब गोंग को हिट करेगा तभी एक आवाज निकलेगा। ठीक है, एस डैश देख रहे हो, ये एडजस्टेबल स्क्रू है। ये क्या है? एडजस्टेबल स्क्रू है। ठीक है, एस एस जो है, एस एस ये एक मेटेलिक स्ट्रिप है। ठीक, एक स्ट्रिप है स्केल टाइप का। और ये ए देख रहे हो, ये वाला, इसे हम आर्मेचर कहते हैं, जो सॉफ्ट आयरन का बना होता है। आर्मेचर, ठीक है, मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन, जिसके साथ आप देखोगे तो हैमर कनेक्टेड है। ये तो आपका सॉफ्ट आयरन कोर यू शेप्ड का है, जिसके ऊपर हम लोगों ने कंडक्टिंग वायर को वूंड किया है, ताकि जब करंट पास होगा तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, जहां पे पोल्स भी बन जाते हैं, हम लोगों ने देखा है प्रीवियसली, कनेक्टिंग वायर है, स्विच है, बैटरी है, T1 और T2 टर्मिनल है। ठीक है, अब समझिए बात को, जब हम स्विच ऑन करते हैं तो करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हुआ टर्मिनल से, ये स्क्रू तक पहुंचा मेटेलिक स्ट्रिप के द्वारा। अब इस कंडक्टिंग वायर में, जिसको हमने वूंड किया है अराउंड द यू शेप मैग्नेट, और ध्यान से देखना जब वूंडिंग होता है तो देखिए, ये जो एंड है आपका, यहां पीछे से वूंड किया हम लोगों ने, नीचे से वूंड किया ऐसे है, तो पीछे से वूंड किया हम लोगों ने, ठीक है, नीचे से वूंड किया है, फिर यहां पे इस एंड में ऊपर से वूंडिंग है। देखिए ऐसे ही करते हैं हम लोग। ठीक है, अब क्या होगा, जब इलेक्ट्रिसिटी यहां से पास होगा, जब इलेक्ट्रिसिटी यहां से पास होगा तो दिस यू शेप्ड सॉफ्ट आयरन विल बिहेव लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखो यहां पे अगर अब देखा जाए तो यहां पे अगर मैं इस पोर्शन को यहां निकालता हूं और फिर करंट का डायरेक्शन देख रहा हूं, तो ये हमारा क्लॉकवाइज है, मतलब यहां पे एक साउथ पोल इंड्यूस हो जाएगा, और यहां को अगर मैं बाहर निकालना हूं तो यहां पे नॉर्थ पोल हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा? नॉर्थ पोल। यहां पर हो जाएगा साउथ पोल। ठीक है, यहां पर नॉर्थ पोल हो जाएगा, इस जगह पे नॉर्थ पोल, इस जगह पे साउथ पोल, तब ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। और जैसे ही ये मैग्नेट की तरफ बिहेव करेगा, ये इस आर्मेचर को अपने तरफ, जो स्ट्रिप से अटैच्ड है उसको अपने तरफ टालेगा, ये इधर अट्रैक्ट होगा ये पूरा, और ये एडजस्टेबल स्क्रू है, ये नहीं कि ये स्ट्रिप के साथ फिक्स है, नहीं, ये जस्ट टच कर रहा है, ये स्क्रू है और ये स्ट्रिप है, ये जस्ट टच कर रहे हैं इच अदर को। ठीक है, तो जैसे ही वो मैग्नेट बनता है तो ये स्ट्रिप आगे की तरफ चला जाता है, आगे की तरफ चलाएगा, ये फॉरवर्ड जाएगा, ये आर्मेचर फॉरवर्ड जाएगा, ये स्ट्रिप फॉरवर्ड जाएगा, जैसे ही फॉरवर्ड जाएगा ये इसको हिट करेगा, एक साउंड प्रोड्यूस होगा। अब जैसे ही ये देखो, ये आपका स्क्रू था, ठीक है, ये आपका मेटालिक स्ट्रिप था, अब जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बना तो ये आगे गया, अब जैसे ही आगे गया करेक्शन
लूज कनेक्शन छूट गया, अब तो करंट नहीं फ्लो पाएगा ना, बिकॉज करंट यहां पे जाएगा यहीं पर रुक जाएगा, बिकॉज यहां पे गैप प्रोड्यूस हो गया, यहां पे गैप प्रोड्यूस हो गया, और जैसे ही गैप प्रोड्यूस हो गया तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करना बंद कर देगा, ये मैग्नेट की तरह बिहेव करना बंद कर देगा, और जैसे ही ये मैग्नेट की तरह बिहेव करना बंद कर देगा तो ये आर्मेचर जो है वो फिर से वो अपने ओरिजिनल पोजिशन पे आ जाएगा, ये फिर से पीछे चला जाएगा, ये जो स्ट्रिप है आर्मेचर के साथ वो पीछे आएगा, अब जैसे ही वो पीछे आएगा फिर से करंट फ्लो होगा, फिर ये आगे आएगा तो फिर से एक बार हिट करेगा, टन 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 टन, आवाज आता ही रहेगा, समझ रहे हो? तो यही है वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक बेल। अच्छा यहां पे अगर आप डीसी सोर्स यूज करोगे तब तुम्हें पता है ये पोलैरिटी चेंज होता है, और अगर आप एसी सोर्स यूज करोगे तो पोलैरिटी चेंज होगा, फिर भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पोलैरिटी चेंज होने के बावजूद भी ये तो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज का रहेगा ही रहेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा ही करेगा, पोल्स डजंट मैटर, ये तो मैग्नेट की तरफ बिहेव करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा करेगा, और वो आवाज प्रोड्यूस होगा, और जैसे ही इसके तरफ अट्रैक्ट करेगा यहां पे गैप हो जाएगा, गैप हो जाएगा तो फिर ये वापस ये आयरन की तरफ बिहेव करेगा, ये वापस पीछे आ जाएगा, फिर कनेक्शन होगा, इस तरह ये चलता रहता है। अब मैं क्लियर? बड़ा इजी है, अगर आप बुक से थरली रीड करोगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आएगा। चलो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद वाले पोर्शन देखिए, टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।